कटनी में आज से औपचारिक रूप से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खुजराहो सांसद बीडी शर्मा की मौजूदगी में खेल महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। महोत्सव में पूर्व क्रिकेटर ईश्वर पांडे, हॉकी कोच अशोक ध्यानचंद, लॉन्ग जंपर ओलंपियन अंकित शर्मा मुख्य अतिथि। सांसद खेल महोत्सव में खजुराहो संसदीय क्षेत्र की टीमें शामिल होंगी, जिनमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सांसद खेल महोत्सव के जरिए लाखों लोगों को जुड़ने की उम्मीद है। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल को बढ़ावा देने और युवाओं बच्चों का अवसर देने के मुख्य उद्देश्य की मंशा से हुआ है। आगामी जो खेलों की तैयारी है, कि इतना बड़ा महोत्सव, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतना सांसद खेल महोत्सव को प्रतिसाद मिलेगा। तीनों जिलों के अंदर हर मंडल में, हर विधानसभा में, यानी आज मैं जहाँ जहाँ पर गया हूँ, हजारों की संख्या में नौजवान देखने वाले, भारी उत्साह और बड़ी संख्या में खिलाड़ी हर प्रकार के खेलों में उनकी सहभागिता बन रही है। सांसद खेल महोत्सव, हमारी जो टीमें बनी हैं, जो पूरे संसदीय क्षेत्र की, और कंट्रोल रूम से जिस प्रकार से पूरा संचालन हो रहा है, एक टीम स्पिरिट के साथ जो खेल भावना में भी करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशनली टीम स्पिरिट हमारी सभी जो काम करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता, प्रभारी, सम्मानित जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी लोग मिलकर के इस अभियान को बड़ा यशस्वी, हमारा सांसद खेल महोत्सव बन रहा है। पन्ना अकेले जिले में 5000 से ऊपर खिलाड़ी इन्वॉल्व हो गए, और अगर मैं ये कहूँ कि पूरे संसदीय क्षेत्र में जो मंडलों में नीचे से जो टीमें खेल करके आ रही हैं, मंडल विधानसभाओं में, और फाइनल जब तक होगा तब तक मुझे लगता है कि लाखों लोग इस सांसद खेल महोत्सव में कनेक्ट हो गए होंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप अधिकतम खेलों को प्रोत्साहित करना, उन बच्चों को अवसर देना, और इसका जो वातावरण बना है उन लोगों को अपने साथ जोड़ना, मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी पूरी टीम ने इस अभियान को बड़ा यशस्वी अभियान बनाने में जुटे हैं। और 2 तारीख को सांसद खेल महोत्सव का समापन होगा, कल 28 को कटनी में शुभारंभ होगा ऑफिशियली, बाकी तो काम शुरू हो गया है मंडल और विधानसभा स्तर पर। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक लगे, उन सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। और मैं सभी से अपील करता हूं कि जो खिलाड़ी नहीं जुड़े हों, वो सभी खिलाड़ी सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से आगामी समय में भी ये कंट्रोल रूम में भी एक व्यवस्था बनाएंगे कि खेलों के प्रति एक कनेक्टिविटी लगातार बनी रहे यूथ की हमारी। तो हमारा युवा मोर्चा है, बाकी सभी लोग हैं, मिलकर के इस अभियान को, और खेल समिति हमारी बनी है, सभी लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। हमारा खेल प्रकोष्ठ है, हमारे श्रवण मिश्रा जी जो प्रदेश के संयोजक, वो भी इस काम में मेहनत के साथ लगे हैं। यहाँ पर हमारे सुशील त्रिपाठी जी से लेकर तीनों जिलों के जो इंचार्ज बने हैं, विधानसभाओं के, मंडलों के इंचार्ज, बहुत व्यापक पैमाने पर मेहनत और काम चल रहा है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।